डायरेक्टर सर का फोटो ये लागी है, जेकर फोटो ये लागी है मोदी और क्या है श्री अखिलेश यादव और श्री नरेंद्र मोदी और श्री नरेंद्र कोविंद और अभी जल जीवन वाले हैं जो बगियों में टंकी एमुर लखा। हाँ टंकी ये लागा तो जानी थी। हाँ टंकी वाले जानी थी। एम्मा जागरूक करी कितना जल तो का सबके यूज करे क्या है कितना का करे क्या है जल लिखा हुआ घर जल लिखा हुआ घर जल का लिखा हुआ पंपस पढ़ाई देखा घर और जल हल हल कहा लिखा हुआ हर कहा लिखा हुआ यार हर थोड़ी आओ अच्छा हाँ यार हर है तो जिला पंपोसी जो ना भाई का मतलब है जो करता है पता टीवी देखाई है कथा टीवी में का दिखाई है वाह देखा आए बात टीवी देखा वाह टीवी में का दिखाई है पिक्चर को पिक्चर दिखा अच्छा पंपोस कहता यार पिक्चर दिखाई है दिखाइए तो हब है दिखाइए तो हब है पिक्चर थोड़ी है तो जल जीवन मिशन वाला वो है जीवन जल जीवन मिशन वाला कितना पाया तो यार पंपोस तो हाँ मादा मांगे वाली मांगा ना करा यार पंपोस तो पैसा सब ना मांगा का पैसा वैसे क्यों ना मांगा करा पिक्चर दिखाई हम जानते हैं पिक्चर देखा वाला है पिक्चर दिखाई है बैटरी चार्ज हो गया पिक्चर दिखाई है वहाँ देखा कैसे लगा यार 43 इंच टीवी है पंपोस देखा भाई का लगावा थे ऊपर जल जीवन वाला चलता है पंपोस टीवी ना चलाई है टीवी चलाई है टीवी चलाई सर्कसो देखा जाए सर्कसो देखा जाए सर्कसो देखा जाए सर्कस देखा जाए पंपो सा यार सही एकदम देखा कितना बड़ा है अरे यार हाल पर दो यार भैया लगावा था गाड़ी आवती है पंपोस हाँ भाई रस्तों बंद कर देन गाड़ी आवती है सुनो इसके लिए इसलिए लगाया गया है कि तुमको जागरूक करने के लिए जो पानी पीने के लिए वादे का टोटी लगी है रहा है टोटी लगी है पानी पिएगा हाँ इसी के माध्यम से तुमको बताया जाएगा माध्यम से बताया जाएगा टोटी लगी हुई हाँ तुमको अरे स्वच्छता मिशन वाला चलता है टोटी लगी बात है वादे पानी मतलब ये जागरूक किन जाता है ना पीतम्बर उत्तर प्रदेश पूरे पीतम्बर कहाँ लिखा हुआ उत्तर लिखा हुआ कहाँ लिखा हुआ वहाँ देख लेंगे चौक उत्तर प्रदेश पूरे पीतम्बर कहाँ लिखा हुआ जो कहा था पूरे पीतम्बर लिखा यहाँ देखा नरेंद्र मोदी प्रतापगढ़ श्री अखिलेश यादव वहाँ अखिलेश यादव कहाँ लिखा हुआ नरेंद्र मोदी यहाँ देख यार हर पार्टी के नेतवन के नाम लेता नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव मायावती को ले लिया मायावती यहाँ मायावती यहाँ श्री अखिलेश यादव श्री नरेंद्र कोविंद नरेंद्र कोविंद नरेंद्र कोविंद ना रामनाथ कोविंद है यार नाम कोविंद पंपोस यार तू यार जो ना यार बनाता है बहुत बढ़िया देखा काम करा थे टीवी लगावा भैया देखा भाई टीवी लागे वहाँ देखा टीवी लगा देखा पंपोस टीवी लागे चलती है पंपोस भाई ये जल जीवन मिशन है जो कि हर घर जल के तहत आया हुआ है इससे आप क्या समझते हैं बहुत बढ़िया लागता है समझते लागता है बहुत बढ़िया कूटा है बहुत बढ़िया लागता है पानी उनी बरसे भीजब ना ताकि भीजब ना पानी उनी बरसे भीजब ना बाती जा एकदम पर निकना बा पानी बरसे ना भीजब छान लागत जैसे छान लागत बा चाहे जहाँ बैठ गया छान न लागे पंपोस तो कहता यार ये छान है यार बाबू पंपोस भाई हाँ भाई ये जो जल जीवन मिशन चल रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है क्या कह रहे हैं पानी पीने के लिए टोटी के लिए पानी पीने के लिए भरने के लिए नहाने के लिए पानी भरने के लिए नहीं ये जो जल जीवन मिशन चल रहा है हर घर जैसे हर गांव में जाके करवावत है सरकार कौन सरकार सरकार वीडियो से नहीं एक कौन सरकार करावती है एक मायावती सरकार करा मायावती मायावती से बताओ यार झूठ न बोला जो ना पानी पिए व्यवस्था न लिखा था हाँ। ये सबका घरे घरे दिखावा था हाँ। हाँ। कौन सरकार करावती है ये टोटी पानी पे भाई देखा टीवी चलाइए देख ले टीवी में कहा टीवी में देख ले देख ले का लिखा नहीं कौन सरकार एक जो जल जीवन मिशन वाला चलता है पंपोस डायरेक्टर प्रधान सरकार डायरेक्टर सरकार फोटो ये लगी है जेकर फोटो ये लागी है मोदी और क्या है श्री अखिलेश यादव और श्री नरेंद्र मोदी और श्री नरेंद्र कोविंद और हिनारान कोविंद क्या श्री अखिलेश यादव श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पंपोस भाई ये जो जल जीवन मिशन पूरे देश में आज बड़े पैमाने पर चल रहा है
हर ग्राम सभा में जो है पानी की टंकी लगाई जा रही है जिसमें आरओ का पानी मिलेगा। आरओ का पानी मिलेगा, बहुत कुछ। सुनो सुनो, सरकार के काम से आप मतलब कितने परसेंट आप सहमत हैं? सहमत है। कितने परसेंट सहमत है? साल से पास सहमत है, साल दो साल से। ये रोज आते हैं ये लोग यहाँ तो नहीं आते हैं। नहीं नहीं, ये जो कार्य पंकज भाई, ये जो कार्य चल रहा है टीवी में देखा बता, पानी पीने के लिए बच्चों को पानी पिलाने, ये जो सरकार की कार्य प्रणाली है हर ग्राम सभा में जो है, ये जल जीवन मिशन के तहत जो है लोगों को जागरूक करने का मिशन चलाया जा रहा है। टीवी दिखावता है, बताए कहेगा टीवी दिखावता टीवी घूम घूम देखाओ तो हमका सब पता है। सरकार हमका मालूम ना बा तब भेजे बा, हम सरकार भेजे भाई सब। संपोज भाई हम कहना क्या चाह रहे हैं, टीवी वाले थोड़ी है, हम अड़ैया दीन वाले हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं, अड़ैया दीन संपोज भैया, हम कहना क्या संपोज, हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे जिस तरीके से जल जीवन मिशन हर घर जल का मतलब जो ये है हर गांव में जो है लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन, जागरूक करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन चलाया जा रहा है हर ग्राम सभा में, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या कह रहे हैं ये बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए सरकार मोदी को भेजे हैं, जाओ देखो क्या है। संपोज भाई अभी आइए, आपको बताते हैं कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ठीक है? चलो बताते हैं, कार्यक्रम शुरू होने वाला है, चलो कार्यक्रम सुनने वाला है। जो कार्यक्रम हर घर जल जो है, जल जीवन, अरे जल हमको सब पता है, पानी का पानी पीने का कम नहीं है। कौन सरकार की करावती है? हर घर जल नल जल पानी टोटी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र कोविंद प्रतापगढ़ एका के करावता है, सब ई सब नरेंद्र मोदी करावता है। और के करावता है? श्री अखिलेश यादव, विकास नारायण, सड़वा चंदिका, सब लगवावता है। संपोज भाई आज आपके गांव में पूरी टीम आई हुई है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, ये सरकार की योजना है, हर ग्राम सभा में जो है पानी की टंकी लगवाई जा रही है ताकि लोगों को, हमारे पूर्व प्रधान घनश्याम सिंह जी हैं, चाचा जी आप इस कार्य से कितना सहमत हैं जो कार्य चल रहा है? बहुत बहुत सहमति है, जान ले आप, अगाध खुशी है। और भी भारी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर सब मौजूद हैं, आज जो है हमारे सुनील भाई हैं, चाचा जी हैं और सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत गांव-गांव में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो आप लोग देखिए आज हमारे गांव में टीम आई हुई है। पंपोज भाई, जिस तरीके से इसमें एक व्यक्ति के पीछे, कहो सलमान, एक व्यक्ति के पीछे कितना पानी मिले? 45 लीटर। पंपोज भाई एक आदमी जो है 45 लीटर जल मिले, 45 लीटर जल मिले, 45 लीटर जल, ठीक है। कितना मिलेगा भैया? 55 लीटर प्रति व्यक्ति। अच्छा, मतलब 55 लीटर प्रति व्यक्ति, मतलब एक आदमी को मिलेगा, एक आदमी को। हाँ, इस सरकार के मतलब इस कार्य से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश है। हाँ? बहुत, मतलब एक यूनिट पे जैसे राशन मिलता है 5 किलो, राशन तो 5 किलो मिलता है, 10 किलो मिलता है, वैसे एक यूनिट पे मतलब आपके घर में जितने प्रति व्यक्ति होंगे 55 लीटर पानी जल, जो कि आरओ से होगा, मतलब जैसे हम लोग आरओ में पानी पीते हैं ना, पानी पीते हैं, खाना बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। भैया जो बता रहे हैं, सुनो क्या बता रहे हैं भैया, जिस प्रकार से आप ब्रसलरी का पानी पीते हैं, देखिए पानी में बहुत से रासायनिक तत्व होते हैं जिनको रासायनिक जांच के ही माध्यम से सर्टिफाई किया जा सकता है। नहीं है, सही है। पहले आप बात सुन लीजिए भैया की, रासायनिक जांच के ही उपरांत जो है उसको सर्टिफाई किया जाता है कि पानी हमारा पीने के योग्य अथवा नहीं है, क्योंकि पानी में बहुत से रासायनिक पानी पाए जाते हैं। नहीं भैया क्या बता रहे हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, टर्बिटी, हार्डनेस, पीएच, आयरन जैसे बहुत से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जिनको रासायनिक जांच के ही माध्यम से फ्रिज वाला ठंडा वाला पानी नहीं। अरे फ्रिज ना वाटर यार, जिस प्रकार से मिनरल वाटर आता है आपका फिल्टर पानी, उसी प्रकार से टोटी के माध्यम से हर घर जल योजना के अंतर्गत अभी अभी हमारे पंचायत स्तरों पे दिया जाएगा। हमारे गांव के बहुत ही सीनियर जिम्मेदार जागरूक नागरिक लल्लू मिश्रा जी अभी आ गए हैं। लल्लू भैया, ये जो है हर घर मतलब जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत हर गांव में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मतलब हर घर जल, मतलब ये योजना, हाँ थोड़ा लंबा रहा, पथरा रहा, इस योजना ठीक है, उतना तो होता है, कमजोर इस योजना से आप कितना खुश हैं लल्लू भैया? हाँ, इस योजना से आप बाबू साहब, इस योजना से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है यार की, इलाहाबाद हम लाए हैं चंबल घाटी से, हाँ वही रे चलाए साहब,
कंपोज भाई, लल्लू भैया, आज ये शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है जल जीवन मिशन के तहत। टीम आपके गांव में आई हुई है, तो मतलब ये जो योजना है सरकार की, आप इसको कितना परसेंट देना चाहेंगे? बहुत कुछ है, 8% बहुत है। भगवान कभी ऊपर कही गई क्या, जमीन आसमान कही गई क्या, कहा चाहा कहा हमसे लपटी जाना है ना। हम तो लल्लू भैया, इस योजना से आप खुश हैं? हाँ यार, हम बहुत सुनत रहे हुई, बहुत बर्दाश्त कम कर पाए जान थे ना। तो इस काम में आप सरकार को कितने नंबर देंगे 100 में से? 85 नंबर देंगे। 85 नंबर देंगे, पर अंतु थाना का नंबर देंगे। अंतु थाना पुलिस का नंबर नहीं, हम खुद ही बना हूँ ना, हम खुद ही बना हूँ, चीज डालेंगे यार, दूसरा मिठाई का तैयार हूँ, मोबाइल पत्थरे रहे। लल्लू भाई, आज आपके गांव में टीम आई है जल जीवन मिशन के तहत, तो आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं यार। ठीक भैया, धन्यवाद। लग रहा, चलो हम इसमें हमको कुछ चलाना नहीं है, यही टोटी वाला पानी निकाल के और हम अपना साफ सफाई पोछा कर ले। नहीं, उसके लिए आपके यहाँ सरकारी नल लगा है या आप अपना पर्सनल मोटर लगवाए हैं या छोटा वाला नल लगा है, वो पानी आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो टोटी के माध्यम से पानी आ रहा है वो पानी कीमती है, वो सिर्फ पीने में और खाना बनाने में इस्तेमाल उसका करना है। ये नहीं है कि चलो हमारा इसमें मेहनत नहीं लगता, हम शौचालय का प्रयोग करें, शौचालय के पास में टंकी लगा है, यही पानी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वो पानी कीमती है, उस चीज को आप समझिए, क्योंकि पानी के संरक्षण से जो आप आगे कर पाएंगे वो शायद किसी अन्य चीज में संभव नहीं है। जैसे पानी की बचत, जैसे आप लोग सब्जी धोते हैं, कुछ लोग होते हैं मोटर चला दिए और धार चल रही सब्जी धो रहे हैं, 5 लीटर पानी लगना चाहिए, 2 लीटर में सब्जी धुल जाएगी और 50 लीटर पानी वो धार के माध्यम से निकल जाता है। किसान लोग होते हैं, देखते हैं कि पानी की जितनी फसल को जितनी जरूरत है, कहीं कहीं पानी खेत में देखते हैं तो गांठ के बराबर भरा है, कहीं कहीं वो जाता ही नहीं है, तो उसको समतल करके उतना ही पानी निकाले जितनी जरूरत है, जितने में आपकी फसल अच्छी हो जाए, क्योंकि इसी तरीकों से, इन्हीं माध्यमों से पानी की बचत की जा सकती है। आपके यहाँ जैसे जल सखी नियुक्त की गई हैं, वो लोग इस चीज के बारे में घर घर जाकर और वो आपके पानी की जो जांच करेंगी, टेस्टिंग करेंगी, बताएंगी कि ये पानी पीने योग्य है या नहीं है। ठीक है, जब तक नहीं है किसी कारणवश अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पानी का, तो आप उस पानी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे क्लोराइड है, फ्लोराइड, नाइट्रेट, टर्पेंटाइन, तो खाने में आप कौन कौन सी चीजें लें, जो घरेलू स्तर पे उससे बचने के जो उपाय